हेलो हाय गुड इवनिंग। तो रेडी हम लोग दीपक भैया की शादी में जाने के लिए और मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैं अब जा रही हूँ दीपक भैया को रेडी करने के लिए, क्योंकि मैं दिन में आई थी, दूसरे वाले होटल पे आ गए थे हम लोग क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और यहाँ पे हिमानी भी आई हुई है। बहुत ज्यादा देर हो रही है, अभी देर हो रही है, ये मत डालना बस। चलो चले गए, कहाँ गए? पानी नहीं चाहिए, किसको तो चाहिए होगा। तो गाड़ी पे आ चुकी हूँ मैं, दीपक भैया को रेडी करने के लिए जा रही हूँ। नीरू और हिमानी रेडी नहीं हुए हैं वो, तो इसलिए मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ दीपक भैया को रेडी करने के लिए अकेले, फिर उसके बाद मैं वापस आ भी जाऊंगी। तो फटाफट जाके दीपक भैया को रेडी करके आऊंगी या फिर उधर ही से बारात के साथ जाऊंगी, क्योंकि बारात भी जाने लग गई है। 6 बजे तो चले जाएगी बोला था उन्होंने बारात। और जैसे ही मैं मैरिज हॉल में पहुंची, दीपक भैया का फोटोशूट चल रहा था, वो भी उनकी शेरवानी के साथ जो कि आजकल सब लोग कराते हैं। तो भैया ने पहले फोटोशूट करा और भैया को सब देखो वहाँ से कैसे डायरेक्शन दे रहे थे। फॉर्मो लग रहा है अभी दीपक भैया को, पूरा लगेगा वो आंखों के ऊपर से वाला होता है जो पूरा अच्छा लगता है, उसी से तो लगेंगे आज, थोड़ा यूनिक दूल्हे वाला फील उसी से तो आएगा। दीपक भैया व्हाट्स फीलिंग? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय न्यू लाइफ, फॉर अ न्यू जर्नी ऑफ माय लाइफ। अगली बार शूटिंग में दो डायरेक्टर आएंगे, बैडी भी डायरेक्टर बनने वाले ये है क्या? ये वाला एक और एक डायरेक्टर इतने सारे कैमरामैन क्यों बुलाए हैं जब खुद से फोटो खींचनी है तो खाली जाने वाले लोग पीछे ना जिसका शगुन होता है लगा दिया बिंदगी यहाँ पे लगा दू नहीं वो नीचे लड़के मेरा नहीं लग रहा। चलो ठीक है लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। हाँ अब सही लग रहा, अब लग रहा थोड़ा चेहरा खिला खिला से, अच्छा लग रहा है। आप तैयार हैं भैया भाभी लेने जाने के लिए? और यहाँ पे दीपक भैया को लग रहा है काजल जो कि उनकी भाभी लगा रही है। हमारे यहाँ पहाड़ में ऐसा होता है कि जब बारात जाती है ना तो दूल्हे को काला टीका लगाया जाता है और काजल लगाया जाता है, तो ये देखो वही भाभियाँ लगा रही है उनकी। यहाँ से डांस देखने में मजा आएगा बहुत। थोड़ा आगे लगा लो गुप्पिता, वहाँ पे लगा लो खाली जगह पे दुकान के आगे। क्या निकलने की नहीं? अरे इनका गला जाम हो जाएगा दादी का यार, कोई बात नहीं। कौन सा गाना गाना है? ये वाला फायदा होता है दूल्हे की गाड़ी में बैठने का, हाथ में आ जाता है। थैंक यू। Thank you.
देखो दीपक भाई की जयमाला चल रही है और कितना जबरदस्त सेटअप है ये देखो। दीपक भाई के सब दीवाने हुए फिर आज दिन। हाँ चलो चलो खींचो गाइस, हमारे भाभी जी की एंट्री हो चुकी है। बता देना रिसोर्ट ले लूंगा। अखो लिख दे जो खुशियां तेरी बन जाना आज तू सजना। आपके आ जाने से दिल पिघलता है पूछना का। आपके आ जाने तो शादी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए पहले इधर से बैठते हैं। लिपस्टिक जो लगाई थी ना सुबह सब खा दी मैंने। हम लोग अपने रूम पे, मैं हिमानी और ये नीरो, और हम लोगों ने हाथ मुंह भी धो लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था फेस पे, और वैसे भी गर्मी के दिन है। फिर डांस किया नीरो ने तो कुछ ज़्यादा ही किया आज। दीपक भैया की शादी भी यादगारी रहेगी बारात। और अब हम जाएंगे कल को हल्द्वानी को, और कल को रेस्ट, परसों को होगा रिसेप्शन। तो फिलहाल और पता है अभी रात के 2 बज रहे हैं, यानी कि सुबह के 2 बज रहे हैं, रात के नहीं कहेंगे सुबह के, कहेंगे सुबह के, सुबह को 2 बज रहे हैं। पागल है क्या, 2:03 हो रहा था अभी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड। होप आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।